Coach, congratulations. Good win. It was quite even at half time, but after half time, you Mumbai took a great lead and won the match convincingly. How do you see the match? Where did you win it? What was the turning point? Hello. My feeling, our team slowly coming up, and our competition will be better. And we need to more motivate our young talent, because most of them are raiders. They are new, only Manjit, little experience. And we need to let them to make mistakes sometimes. And I hope slowly, and in next match, we will be much better than this. Sure. Sunil, congrats. काफी सेटल लगी है टीम पिछले मैच के कंपैरेटिवली, और काफी टीम वर्क भी दिखा. जफरदार 10 पॉइंट आपके टीम पॉइंट्स, ओमवीर 4, मजीद ने जीत के 3 पॉइंट. तो पूरा प्रदर्शन आप ऐसा कैप्टन कैसे देखते हैं? बिल्कुल भाई, पहले तो आपको धन्यवाद. टीम ने आज काफी अच्छा खेला है, डिफेंस में भी अच्छा खेला और ऑफेंस में भी. लेकिन ऑफेंस में जो पहले मैच में गलतियां हुई थी, सुपर टैकल हुए थे, आज भी 2 सुपर टैकल हुए हैं. उनसे आज भी कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस भी टीम के रेडर्स के सुपर टैकल होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है मैच जीतना. लेकिन ये अभी मैच जीते हैं, टीम के लिए खुशी की बात है. जो नए लड़के हैं, कॉन्फिडेंस आएगा जीत के साथ, और आगे जो मैच है उनकी प्लानिंग करके आएंगे, और जो आज टीम खेली है उससे ही बढ़िया खेलने की कोशिश करें. Coach, how happy are you with Zafar Tanish's performance today? 2 tackle points, 8 red points, superb impact on the game. How happy are you with him today? He's one of the best talent in PKL, but sometimes he's making some small mistake, and we need to improve him. And I think he needs the time, but this season his body is little stronger and now little heavy. But I will try for come back in same speed and same reaction. Sunil bhai, congratulations. बहुत ही सारा सक्सेस हुआ आज. पूरी टीम, जैसे आप ही बता रहे हैं, पूरी टीम की कंपोजिट एफर्ट थी आज. डिफेंस इन पर्टिकुलर बहुत सॉलिड था आज पिछले गेम के साथ. सौरभ, कुछ बातें हुई थी लास्ट गेम के बाद, क्या फिक्स करना था? सौरभ, क्या नोटिस किया आपने कि आज अलग से किया आपने? उस मैच में जैसे पहला मैच था दबंग दिल्ली के साथ, तो ना डिफेंस अकॉम्बिनेशन सेट हो पा रहा था और ना ही रेडर्स का. तो हमारे पास उस मैच के बाद 4 दिन का टाइम था. कोच साहब ने अच्छी प्रैक्टिस करवाई, अच्छी प्लानिंग की, और जो इनके मेन रेडर्स थे, इन गुजरात के पास बहुत अच्छे रेडर्स थे, गुमान, राकेश, प्रतीक, हिमांशु, चारों के चारों रेडर बहुत अच्छे हैं. उन पर पूरा काम करके आए थे, और डिफेंस ने टैकल करने की जल्दबाजी नहीं की, उनका वेट किया, रेडर्स को अंदर घुसने दिया, उसके बाद टैकल किया और सक्सेसफुल होते चले गए. आज पूरी टीम ने कॉम्बिनेशन के साथ खेला है, जो कि एक टीम गेम टीम का होना चाहिए. आज उससे टीम खेल. आपका नेक्स्ट मैच है बंगाल वॉरियर्स के साथ, काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, फजल है, मनी है, नितिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं. तो उस टीम को कैसे देखते हैं और प्रिपरेशन कैसा होगा? बिल्कुल अच्छी टीम है बंगाल वॉरियर्स भी. मनिंदर है जो पहले सीजन से अभी तक 11वें सीजन तक प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं, और मेरे को मानना है कि इतना लंबा जो रेडर्स एक साथ अपनी परफॉर्मेंस लेके चल रहा है, वो बहुत ही अच्छे रेडर्स हैं. उसके बाद जो नितिन धनखड़ है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, कि उसको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी टीम को जब लोना लगाते हैं 4, 5 में 3 में, तो वो ही नंबर लेकर जाते हैं नितिन धनखड़ी. और डिफेंस में नितेश है, फजल है, तो काफी अच्छी टीम है, प्लानिंग करके आएंगे. और जैसे आज टीम ने खेला है एक कॉम्बिनेशन के साथ, वैसे ही खेलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. कोच, लास्ट क्वेश्चन, योर थॉट्स ऑन द नेक्स्ट ओपोनेंट Bengal Warriors. My personal, your opinion on the next opponent, Bengal Warriors. Bengal also one of the strong team in this season. But my feeling, this season all team very close together, and every team has a chance to win in every match. And they have some good player, and they are main player, and they have good experience. But we are also making some plan, and we will see what we are, but what we can do during the match. But they are good team. And I think this is a tough match, but we try to win. Thank you. Coach साहब, half time तक काफी बराबरी का मुकाबला था, 13-14, बिल्कुल ही even Steven. उसके बाद एकदम से क्या हुआ? Second half में यूंगा एक-एक point लेके लेते आज आगे जाता आप क्या? पूरा मैच आप कैसे explain करेंगे? क्या कमी रही? Second half में defense से भी गलतियां हुई, क्योंकि जब डोवेंड आई है या turning point है, तो उस दौरान defense से mistake हो गई. और रेडिंग जो हमारी, हम ये मानते थे कि हमारी रेडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो रेडर से भी गलतियां हुई. अदरवाइज एक टर्निंग पॉइंट था प्रतीक दहिया का, वो वहाँ पे आउट हो गया, 2 पॉइंट थे और हमने यू भी लिया, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं गया. अदरवाइज वो 2 पॉइंट आते तो गेम बहुत क्लोज होता, तो सिचुएशन अलग होती. तो
जब किसी भी टीम का दोनों यूनिट गलतियां करती है तो नेचुरल फिर ऐसा रिजल्ट होता है। नीरज, ऐसा कैप्टन टफ लॉस क्लोज था एक पॉइंट तक, कैसे देखते हैं क्या कमी रही और अपना भी आपका परफॉर्मेंस आने वाले मैच में कैसे इंप्रूव? देखिए सबसे पहले तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ जिस हिसाब से कोच साहब ने बताया था, तो उस हिसाब से चार पांच ऐसी बड़ी मिस्टेक में उसकी वजह से मैच क्लोज आया उसके बाद फिर चला। तो हम इसी के ऊपर अगले मैच के लिए काम करेंगे ताकि आगे गलती ना हो। सभी टीमों ने एक दूसरे का मैच देख लिया है, सबको पता है क्या कमी है क्या स्ट्रेंथ है आपका, बस यहाँ पे देखो आपका अगला मैच यूपी के साथ है जिनका की डिफेंस बहुत स्ट्रांग दिखा है और रेटिंग भी अच्छी गई है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? और देखो टीमें तो सारी अच्छा खेल, कभी कभी गेम होता है कभी कभी गेम होता है, और मैं नहीं मानता कि भाई ऐसा कोई टीम ज़्यादा डिफेंस है। अब गेम जिस हिसाब से चलता है, आज हमारे रेडर जैसे जहाँ टर्निंग पॉइंट थे दो तीन वहाँ जाते तो हमारे पक्ष में गेम था, डिफेंस में हम जो एडवांस टैकल हुए वहाँ भी हमारे पक्ष में गेम था। तो गेम जब कोई भी यूनिट जो गलतियाँ करती है टर्निंग पॉइंट पे तो वो टीम नेचुरल लूज होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो टीम बहुत स्ट्रांग है। अब कोई भी टीम उठा के देख लो, जब तेलुगु का और बेंगलोर का फर्स्ट मैच हुआ तो तेलुगु बहुत अच्छा खेली, तो गेम है, ये नहीं कह सकते कि आज वो बहुत स्ट्रांग है वो बहुत वीक है, नहीं सभी टीमें बिल्कुल हैं और ये गेम पे ऊपर डिपेंड करता है डे बाई डे कैसा वो सेट होते हैं दोनों यूनिट, डिफेंस ऑफेंस कैसे एक मिल के काम करते हैं कि किस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, रेडर की रिक्वायरमेंट है रेडर पॉइंट दे, डिफेंस की रिक्वायरमेंट है तो डिफेंस वहाँ पर कैच करे, जब दोनों यूनिट बेस्ट करती है तो नेचुरल मैच विन करते हैं। आज दोनों यूनिट से गलतियाँ हुई, नेक्स्ट मैच में गलतियाँ ना हो ऐसा अपना प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।